नमस्कार सभी को। आज हम जो बात करने वाले हैं एरीज एग्रो की बात करने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर ईफ टेबल। अब यहाँ पे एरीज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस आज के दिन 218 का चल रहा है और बुक वैल्यू जो है 200 के आसपास में चल रही है। पीबी रेशियो काफी अच्छा है, दैट इज फेवरेबल। इसी के साथ में कंपनी का जो स्टॉक पी है, पी थोड़ा सा हायर साइड में है, जो कि अगर देखा जाए तो 4.5% के आसपास में नेट प्रॉफिट जिस वैल्यू के ऊपर में आज के दिन स्टॉक मिल रहा है, सबसे कंपनी सिर्फ 4.5% ही कमा पा रही है, दैट इज बैड। यहाँ पे आरओसी की अगर बात करते हैं तो आरओसी अच्छा कंपनी कमा रही है और आरओई के अंदर में अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं देखना मिल रहा। इसका मतलब बैंक कंपनी जो है बैंकों के लिए ज्यादा अच्छे से कमा रही है, खुद के लिए इतना अच्छा आज के दिन नहीं कमा रही है, रिसेंट क्वार्टर के अकॉर्डिंग, रिसेंट ईयरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब इसी के बाद में हमें इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रही है उसकी अगर बात करते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके चार्ट को देख लेते हैं। अगर वहाँ पर बाइंग दिखती है तो फिर हम आगे बात करते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक इस रेंज को फॉलो करते हुए जो स्टॉक है मल्टीपल टाइम्स दिखा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फॉलो किया, फॉलो किया, फॉलो किया, फॉलो किया, फिर फॉलो किया, फिर वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख पाते हैं तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इसी इम्प्रूवमेंट को हम लोग देखते हैं, जैसे कि इस लेवल से उठा तो यहाँ तक गया, तो कितना परसेंट गया, 119% के आसपास में ये गया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इससे पहले उठाते हैं जो कि इस लेवल से टच करके वापस ऊपर गया, तो ये 152 के आसपास में यहाँ तक गया। सो ये अच्छा अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे ये जो प्राइस है जो कि 113 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मिला है, जो कि प्राइस इतना जंप किया यहाँ से यहाँ तक 113 पॉइंट्स, यहाँ पर अगर देखें तो 131 पॉइंट्स का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर हम लोग रिसेंट देखते हैं कि अब यहाँ से जो वापस की तरफ जा रहा है तो ये कितना मूवमेंट अपने को देख सकते हैं, ये फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 113 31, सो हम लोग अगर एक्सपेक्ट में 110 पॉइंट्स का भी मूवमेंट दे दे तो लगभग लगभग अपने देखने मिलता है यहाँ पर, इसके आसपास में देखने को मिलता है। सो यहाँ से ये जो स्टॉक है इस लेवल तक को जा सकता है आराम से, ऐसा मतलब ये शॉर्ट टर्म के अंदर हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग हमें टारगेट मिल रहा है। और इसी के साथ में अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस भी जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इस पर जूम ऑन जूम इन कर लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस भी देखने को मिल जाएगा। देखो बाकी जो इंडिकेटर्स यूज करके देखते हैं कि अगर उस लेवल से हम लोग स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करते हैं, वो हम अपने बायसनेस के अकॉर्डिंग या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये जो स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट खुद अपने को बता रहा होता है, कैसे किस तरीके से, कि अब यहाँ से मान के चलिए ये सबसे हाई इसने टॉप बनाया, उसके बाद में ये आया यहाँ पर, फिर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस मतलब यही लेवल था रेजिस्टेंस को फेस करने का। सो अगर यहाँ पर हम लोग लाइन खींचते ताकि हमें समझने में आसानी हो, तो ये एक लेवल था जिसके ऊपर रेजिस्टेंस बार बार स्टॉक ने फेस कर रहा है इस रेंज के अंदर में, ये रेंज हो गई, इस रेंज के बीच में स्टॉक मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो फिर रेजिस्टेंस फेस करते हुए ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद में इसने इसी फेस के अंदर में फिर सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, राइट। तो अब ये जो 2 बार सपोर्ट लिया, तो अब ये जो लेवल है ये बहुत ही अच्छे खासे सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है, जो कि 185 का जो एक लेवल है, जो शॉर्ट टर्म का लेवल है। तो मैं इस स्टॉप लॉस को अगर आई थिंक ये वाला जो स्टॉप लॉस है एक्ट कर सकता है कि इससे नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर वापस इस लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, देयर आर चांसेस एज पर टेक्निकल। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 200 जो कि प्राइस अपने निकल के आया था उस प्राइस के टारगेट तक ये लोग जा सकता है प्राइस। अब इसी के तो टेक्निकल्स की बात, अब अगर हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, सो फंडामेंटल्स तो अभी तक आरओसी तो अच्छा कमा रहा है, आरओई अच्छा नहीं कमा रहा, राइट। इसी के साथ पीवी रेशियो अच्छा है और मार्केट के अंदर में बूम बना हुआ है। सो मार्केट में एक बूम बना हुआ है तो जो उस कंपनियों का थोड़ा बहुत पी अच्छा है, जिनका मार्केट का फ्यूचर अच्छा बन सकता है, तो उनके अंदर में अच्छी खासी बाइंग अभी चल रही है। अगर हम एरीज एग्रो की बात करते हैं यहाँ पर, तो एरीज एग्रो क्या काम करती है, केमिकल सेक्टर में काम करती है, जो कि बायो केमिकल्स और नॉर्मल बेसिक केमिकल्स में काम करती है। तो वो जो केमिकल है वो जो मवेशी होते हैं, जो अपने जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह में, उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले जो केमिकल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट फूड जो होता है वो प्रोवाइड करने का काम करती है, जो कि अलग अलग सेगमेंट जैसे कि मछलियाँ, जैसे कोई पॉन्ड बना के मछलियाँ पालता है तो उनको खाना न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो फूड कंपनी बनाती है। इसी के साथ में जो भी हमें बायो प्रोडक्ट्स, बायो फर्टिलाइजर्स जो कि हमें फसलों में काम में आते हैं, केमिकल और बायो में भी दोनों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सो कंपनी का जो खेत से रिलेटेड, जो एग्रो से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो चाहे वो खेती से रिलेटेड हो, चाहे वो मवेशियों से रिलेटेड हो, तो इस फूड सेगमेंट में ये काम करती है, न्यूट्रिएंट्स को मतलब न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का काम करती है, चाहे वो मवेशियों में, चाहे पेड़ पौधों में। तो ये अच्छा सेगमेंट है और काफी पुरानी कंपनी आज के दिन ये कंपनी है और काम कर रही है। जो पुरानी कंपनी होने के मुकाबले कंपनी के पास में एसेट्स बहुत अच्छे खासे होंगे आज के दिन, ये हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग होती है जो कंपनी की तो असली वैल्यू निकल के आती है, बट हम ये उम्मीद लगा के चलते हैं पुरानी कंपनी तो एसेट्स अच्छे होंगे। आज के दिन कंपनी की जो पूरी ओवरऑल वैल्यूएशन है वो 83 करोड़ की है, क्योंकि इतनी पुरानी कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स वेरी बहुत ही कम वैल्यू है देखा जाए तो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई देखने को मिल रही है।
अगर हम रिसेंट डेटा को देखते हैं तो हाईएस्ट क्वार्टर यहाँ पे इसने देखा हुआ है सेप्टेम्बर का, और प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे 12 करोड़ के आसपास में क्वार्टर में कमाए हैं। अगर हम ईयरली की बात करते हैं यहाँ पर, सो ईयरली क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे, ईयरली रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 16 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सेल जो है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड कंपनी कर रही है, और अच्छे खासे तरीके से सेल्स ग्रो कर रही है। अब दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट कि सेल्स बहुत अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रही है। अब कंपनी जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ में है, जो कि बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स की तरफ में, उसमें भी कंपनी आगे अपने फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी दोनों को मिक्स लेके चल रही है, केमिकल का भी और बायो का भी। दैट्स अगेन पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द कंपनी। अब रिजर्व्स की कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी खासी कमाई कर रही है, लोन कंपनी चुका ही दे रही है, और यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले मतलब 6 महीने के अंदर में कंपनी ने अच्छा खासा अपना लोन चुका दिया है। कंपनी के ऊपर में इन्वेंट्री अगर बात करते हैं तो कंपनी के पास में इन्वेंट्री अच्छी खासी पड़ी हुई है, और अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रही है और मेंटेन रह रही है, इसका मतलब माल अच्छे से बिक रहा है, निकल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो ठीक ठाक है। इसी के साथ में FIIs जो है वो अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, DIIs ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर देते हुए दिख नहीं रहे, और पब्लिक के पास में 44-45% के आसपास में शेयर होल्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। अब हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का पता चल गया, और इसी के साथ में फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है फंडामेंटल्स को देखते हुए भी। इसी के साथ में हम लोग जो है स्टॉप लॉस के साथ में काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस वो जो हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च में भी यही स्टॉप लॉस बनते हैं, ये डेटा आपको अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से आप अपने ही बेसिस के ऊपर में रिसर्च करके या फिर किसी एडवाइजर से मतलब राय मशवरा करके काम कर सकते हैं। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू अपॉर्चुनिटी।